Welcome all in CSIR Net Physics channel. Please subscribe, share and like. तो दोस्तों आज हम लोग सिंक्रोनस काउंटर के बारे में पढ़ेंगे. तो यहां पहले हम लोग सिंक्रोनस काउंटर के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे. पहले देखिए द सर्किट गिवन बिलो रिप्रेजेंट ए, यहां एक सर्किट दिया हुआ है. ऑप्शंस है मॉड टू काउंटर, मॉड थ्री काउंटर, मॉड फोर काउंटर, चौथा ऑप्शन है मॉड फोर रिंग काउंटर. यहां दोस्तों देखिए कि यहां रिंग काउंटर क्या होता है, रिंग काउंटर और सिंक्रोनस काउंटर क्या होता है. जहां पे कॉमन क्लॉक पल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, यहां देखिए कॉमन क्लॉक पल्स यूज किए हैं. दूसरा चीज ये है रिंग काउंटर में और सिंक्रोनस काउंटर में, ये पॉइंट है कि यहां से जो आउटपुट हमें मिलता है क्यू से जो आउटपुट हमें मिलता है मोस्ट ऑपोजिट ऑन क्यू से, मोस्ट ऑपोजिट ऑन फ्लिप फ्लॉप से जो हमें आउटपुट मिलता है वो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट होता है. ये होता है रिंग काउंटर का कैरेक्टरिस्टिक. दूसरा है जॉनसन काउंटर. जॉनसन काउंटर में क्या होता है, जॉनसन काउंटर में मोस्ट ऑपोजिट ऑन से हमें जो आउटपुट मिलता है उसको हम नॉट गेट से, नॉट गेट यूज करते हैं बीच में, उसके बाद हम लोग इनपुट में लगा देते हैं पहले वाले फ्लिप फ्लॉप के. ये होता है जॉनसन काउंटर और रिंग काउंटर में डिफरेंस. तो इस वाले सवाल में आप लोग देखिए दो फ्लिप फ्लॉप है, दो फ्लिप फ्लॉप के लिए मॉड कितना होता है, टू टू द पावर एन. यहां पे एन कितना है, टू है, यानी टू टू द पावर टू यानी फोर, तो मॉड फोर काउंटर हो गया. और यहां पे कोई बबल तो नहीं लगा हुआ है तो ये एक रिंग काउंटर है क्योंकि यहां पे क्लॉक पल्स भी जो है कॉमन है. तो मॉड फोर रिंग काउंटर ये जो है सही आंसर है. दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल नेट दिसंबर 2011 में आ चुका है. सवाल क्या है, ए काउंटर कंजिस्ट ऑफ फोर फ्लिप फ्लॉप्स कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर. यहां एक फिगर दिया हुआ है और लिखा हुआ इफ द काउंटर इज इनिशियलाइज्ड एज ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री इक्वल्स टू जीरो वन वन जीरो द स्टेट आफ्टर द नेक्स्ट क्लॉक पल्स इज, कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो हमें निकालना है. तो दोस्तों यहां देखिए ऑरेंज कलर में जो लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में नहीं था, वो मैंने दिया निकालने के लिए. तो दोस्तों यहां देखिए क्या करना पड़ेगा कि पहला जो है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री, ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री यहां है. ए जीरो क्या है, जीरो है, ए वन क्या है, वन है, ए टू क्या है, वन है, ए थ्री क्या है, जीरो है, लिख दिया हमने पहले. ए जीरो क्या है, जीरो है, ए वन क्या है, वन है, ए टू क्या है, वन है, और ए थ्री क्या है, जीरो है, लिख दिया हमने पहले. उसके बाद जो है, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद यहां देखिए दोस्तों कि हमें यहां क्लॉक पल्स अप्लाई करना है. उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि यहां अगर जीरो है तो इनका इनपुट क्या हो गया, जे इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि क्यू से जे में डायरेक्ट जो है तार लगा हुआ है, क्यू बार से यहां डायरेक्ट तार लगा हुआ है, तो यहां वन आउट इनपुट आ गया, यहां जीरो. फिर से यहां देखिए यहां से क्रॉस लगा हुआ है यानी क्यू से वन जो है यहां आ गया, क्यू बार जीरो से है जो यहां आ गया. उसके बाद यहां देखिए वन यहां चला गया, क्यू बार से जीरो जो है यहां चला गया. उसके बाद देखिए ये वाला तार जो है लगा हुआ है मोस्ट ऑपोजिट वन फ्लिप फ्लॉप से, लगा हुआ है पहले वाले के इनपुट यानी रिंग काउंटर है ये. जीरो यहां आ गया तो जे इक्वल्स टू जीरो यहां आ गया. उसके बाद यहां देखिए यहां नीचे से के पे आ गया वन, तार लगा हुआ है. अब जब हम लोग क्लॉक पल्स देंगे तो यहां एक कॉमन क्लॉक पल्स यूज करते हैं, यानी कॉमन क्लॉक पल्स के मतलब है कि हम लोग जब एक ही टाइम में क्लॉक पल्स देंगे तो सारे जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो सारे एक ही टाइम में जो है ऑपरेट करेंगे साइमल्टेनियसली. तो जब हम लोग क्लॉक पल्स देंगे तब क्या होगा, पहली बार जो पहला जो क्लॉक पल्स हम लोग दे रहे हैं अब होगा. तो दोस्तों यहां देखिए जीरो, पहले जब क्लॉक पल्स हम लोग देंगे तो जे इक्वल्स टू जीरो के इक्वल्स टू वन कंडीशन में क्या आता है, के इक्वल्स टू वन, जे में जो होगा वही आउटपुट मिलेगा. तो यहां देखिए आउटपुट को मैंने ऊपर लिखा है यहां, तो यहां देखिए जे जीरो है तो जीरो आ गया, जे जीरो है जीरो आ गया, जे जीरो है जीरो आ गया. अब वन जीरो कंडीशन में भी वही होता है, जीरो 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 वन, वन जीरो कंडीशन में वही होता है. तो वीडियो मैंने दे दिया है पहले, आप लोग देख लीजिएगा फ्लिप फ्लॉप का वीडियो. तो J इक्वल्स टू वन जो है यहां वन आ गया. तो दोस्तों यहां देखिए
तो हमें क्या क्या स्टेज मिल गया, 0 0 0 1, क्योंकि हमें पूछा क्या है, A0 A1 A2 A3 इस सीरियल वाइज में हमें पूछा गया है, तो 0 0 0 1 हमें जो है आंसर जो है वो मिल गया, ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। दोस्तों तीसरा सवाल देखिए, फॉर द लॉजिक सर्किट गिवन बिलो द डेसिमल काउंट सीक्वेंस एंड द मॉडुलस ऑफ द सर्किट करेस्पॉन्डिंग टू A B C D R, कौन सा ऑप्शन जो है सही है, यहां जो है डायग्राम दिया हुआ है, तो दोस्तों ऑप्शंस यहां भी दिया हुआ है। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि यहां जो है 3 बिट रिंग काउंटर दिया हुआ है, ये बी सी ए को दिया हुआ है, MSB, सी को दिया हुआ है LSB, 3 बिट रिंग काउंटर है, और जो है सी से जो है यहां से एक तार लगा हुआ है जेके फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक पल्स में, और यहां जो हमें मिल रहा है डी मिल रहा है। तो दोस्तों यहां देखेंगे कि हम लोग क्लॉक पल्स देंगे और हम लोग को जो है आंसर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए पहले कि ऑप्शंस ज्यादातर पहले जो है 8 से शुरुआत है, 8 है, 3 ऑप्शंस में जो है 8 से शुरुआत है, तो हम लोग जो करेंगे कि 8 से शुरुआत करेंगे, तो A B C D हम लोगों ने लिख दिया। 8 का बाइनरी इक्विवेलेंट कितना होता है, 1000 होता है, तो 1000 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्लॉक पल्स देंगे, तो क्लॉक पल्स जब देंगे तो क्या होगा, ये तो रिंग काउंटर है, तो रिंग काउंटर है यानी 0 जो है पहले, 3 बिट रिंग काउंटर है तो 0 जो है पहले आ गया, तो 0 जो है पहले आ गया, तो ये यहाँ आ गया, उसके बाद ये यहाँ चला जाता है, उसके बाद ये यहाँ चला जाता है, सभी को पता है, आप लोग, आपको भी पता होगा। अभी देखिए यहाँ जो है 0 जो है यहां से 0 जो निकला, तो 0 जो है 0 यहां से आया, अब 0 क्लॉक पल्स देंगे, क्लॉक पल्स में अगर 0 होता है, ठीक है, तो क्लॉक पल्स में अगर 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, कुछ भी आप इनपुट दे दो, 1 1 दे दो, 1 0 दे दो, 0 1 दे दो, 0 0 दे दो, कुछ भी इनपुट दे दो आप, क्लॉक पल्स अगर 0 हो तो आपको प्रीवियस आउटपुट ही जो है मिलता है, क्लॉक पल्स 1 होगा तब वो जो टेबल हम लोगों को मिला था वो है, लेकिन क्लॉक पल्स अगर 0 होता है तो प्रीवियस आउटपुट ही हमें मिलता है, तो प्रीवियस आउटपुट कितना है, 0 है, तो 0 मिल गया। उसी तरीके से ये वाला लाइन जो देखिए हम लोग करेंगे, अब 1 यहाँ है तो 1 पहले आ गया, 3 बिट रिंग काउंटर है, 1 पहले आ गया, उसके बाद 0, उसके बाद 0, अब देखिए कि 1 यहाँ, यहाँ से यहाँ पहले आ गया, 1 इस तार से यहाँ भी जाएगा, तो 1 यहाँ भी जाएगा तो क्या होगा, तो 1 यहाँ भी जाएगा तो अब फ्लिप फ्लॉप है जो काम करेगा, तो J में भी 1 है, K में भी 1 है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, 1 1 प्रीवियस आउटपुट का बार मिल जाएगा, टॉगल होता है, तो 0 का बार क्या मिला हमें, 1। तो इसी तरीके से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें ये जो है मिल जाएगा, तो 8 मिलेगा पहले, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 9, उसके बाद 5, उसके बाद 3, फिर से 8 मिलेगा, तो 6 क्लॉक पल्स के बाद हम लोग को 8 मिल रहा है, इसी वजह से ये जो काउंटर है मॉड 6 काउंटर है। और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन जो है आप लोग देखिएगा, ये वाला ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आखिरी सवाल देखिए, नेट दिसंबर 2017 में आया हुआ था, ये सवाल देख लीजिए, द सर्किट बिलो कॉम्प्रेजेस ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप्स, द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम Q3 Q2 Q1 एंड Q0 एज शोन इन द फिगर। तो यहां एक फिगर दिया हुआ है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द बाइनरी नंबर गिवन बाय द स्ट्रिंग Q3 Q2 Q1 Q0 चेंजेस फॉर एवरी क्लॉक पल्स दैट इज अप्लाइड टू द क्लॉक इनपुट, ठीक है, तो इफ द आउटपुट इज इनिशियलाइज्ड एट 0000 देन करेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द डेसिमल नंबर्स दैट रिफ्लेक्ट्स इट्स। तो यहां देखिए दोस्तों, यहां एक क्लॉक पल्स जो है कॉमन है, लेकिन लेकिन यहां जो आउटपुट से हमें मिल रहा है सही है, लेकिन यहां कहां से लिया है हमने, क्यू बार से लिया है, कहां से लिया है, क्यू बार से लिया है, क्यू से अगर लेते तो वो होता रिंग काउंटर, क्यू बार से लिया है, इसी वजह से ये है जॉनसन काउंटर का सवाल। तो क्वेश्चन को सही से नोट करिएगा, उसके बाद कीजिएगा। तो पहला जो है जॉनसन काउंटर है, तो उसी वजह से यहां देखिए पहले क्या है, 0000 इनिशियलाइज्ड स्टेट है, तो यहां 0 है, यहां 0, यहां 0, यहां 0, तो 0 यहां है, तो यहां क्या आएगा, 1 आएगा, क्यू बार है, तो 1 यहां से फिर यहां चला जाता है, बाकी सारे में तो देखिए 0 से 0 आएगा, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 0 है तो फिर इसका इनपुट 0 आएगा, फिर यहाँ 0 है तो इसका इनपुट भी 0 आएगा। यहाँ देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो Q0 लिख दिया, Q1 लिख दिया, Q2 लिख दिया, Q3 लिख दिया हमने,
उसके बाद दोस्तों देखिए क्या किया है, यहाँ देखिए पहला जो है 0000 था, तो पहले यहाँ 1 आ गया। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या कहते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप होता है, जो हम लोग इनपुट देते हैं वही हम लोग को आउटपुट मिलता है। तो यहाँ जो हमने इनपुट दिया 1 दिया, इनपुट जो दिया हमने 1 दिया है, तो 1 दिया है तो आउटपुट भी क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 1 मिलेगा। अब देखिए यहाँ जो है 0, यहाँ 0 मिल गया, उसके बाद इसके वजह से यहाँ 0 आया तो उसी वजह से हमें यहाँ 0 मिला, इस ये वाला 0 यहाँ आ गया तो उसी वजह से हमें यहाँ 0 मिला, ये वाला 0 यहाँ आ गया उसी वजह से हमें यहाँ 0 मिला। दो तीन और करके मैं दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ जो है फिर से क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 यहाँ से यहाँ आ गया, 1 यहाँ से यहाँ आ गया। अब यहाँ पे क्या है, 1 है तो ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, तो उसी वजह से डी में 1 देंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, फिर से 1 ही मिलेगा। तो 1 मिल गया, फिर 0, फिर 0। यहाँ देखिए क्या करेंगे हम लोग, आसानी के लिए यहाँ जो होगा उसका बार कर देंगे, ठीक है, यहाँ जो होगा उसका बार कर देंगे तो हमें क्या मिला नेक्स्ट स्टेप में, 1 मिल गया, और ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ आ जाता है, ये वाला आ जा यहाँ आ जाता है, आसानी के लिए ये है। यहाँ पे देखिए इसका बार क्या करेंगे, 1 करेंगे तो 1 आ गया ना पहले, उसके बाद यहाँ ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये इसका बार क्या होगा, 1 होगा, तो 1 यहाँ पहले आ गया, उसके बाद ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला लास्ट में आ गया। तो ये है जो सही है। अब देखिए दोस्तों कि यहाँ पूछा किस तरीके से है, यहाँ पूछा है Q3, Q2, Q1, Q0, हम लोगों ने उल्टा लिखा है, तो Q3, Q2, Q1, Q0 से पूछा है, तो 0001 क्या होता है डेसिमल में, क्या होता है 1 होता है, 1 मिल गया हमें। 0011 क्या मिलता है, 3 मिलता है, 3 मिल गया। उसी तरीके से यहाँ देखिए 1110 क्या मिलेगा, 14 मिलेगा, 14 लिख देगा यहाँ पे, तो हमें जो मिला 1 3 7 15 14 12 8 0 ये मिले। तो ये चार फोर्थ ऑप्शन में जो है सही ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, और कोई फीडबैक अगर हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए। शुक्रिया।